Hey guys, today I will talk about the most famous fish in aquarium hobby, Oscar. ये guys आपको हर जगह मिल जाएगा, even the smallest shop in your town you will find Oscar. Now Oscar has two varieties in India, one local breed, उसका शायद दो ही color आता है, एक black और एक white, and imported का guys बहुत types है. So मेरे पास एक Oscar था local breed, मैंने इसको 20 रुपये में ख़रीदा था Gallup Street से, 1.5 inch का था उस time, and मेरे पास ये 1.5 साल तक था. फिर उसके बाद उसका स्विम ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ था, एंड यू गाइस नो स्विम ब्लैडर होने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, सो लिटिल इन्फो अबाउट ऑस्कर फिश. टैंक साइज मिनिमम 3 फीट टैंक फॉर वन ऑस्कर. टेम्परेचर 23 to 27 degree. ओरिजिन साउथ अमेरिका. ओके, लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर्स. एंड अगर आप इसको कम्युनिटी में रखना चाहते, मैं सजेस्ट करूँगा ना ही रखें, क्योंकि ये बहुत मूडी फिश है. बट अगर आपके पास 6 to 8 फीट का टैंक है, देन आप ऑस्कर फिर कैटफिश के साथ इसको रख सकते हैं, सिल्वर डॉलर हो गया. बट अगर आपके पास छोटा टैंक है, लाइक 2.5 फीट या 3 फीट का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको अकेले रखिए, एक प्लेको रख दीजिए उसके साथ और कुछ मत रखिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस ऑस्कर इन योर टैंक. अगर आपके पास एकदम नया एक्वेरियम है, आप कभी भी उस पर फिश नहीं रखे, तो उसको पहले आपको साइक्लिंग करना होगा. फिश कैसे ऐड करते हैं एक्लिमेट वो आपको ज़रूर पता होगा, ड्रिप एक्लिमेट होता है. फिर आप नॉर्मली जो बैग रहता है वो टैंक के ऊपर रख दीजिएगा 10 मिनट्स, उसके बाद खोल के वो पानी मत दीजिएगा, पानी छान के फिश को ऐड कीजिए, ठीक है. एंड अगर आपका टैंक पे ऑलरेडी कुछ फिशेस है, तो प्रॉब्लम हो सकता है. क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला ऑस्कर ज़्यादा फिशेस के साथ नहीं रहता है, तो अगर आपका टैंक पे ऑलरेडी कुछ बड़ा साइज का चिकलेट है, तो वो ऑस्कर नया जो रहेगा बेबी ऑस्कर वो डर जाएगा, तो वो दिखेगा, फीडिंग नहीं लेगा, फिल्टर का साइड में बैठे रहेगा या एक कोना पे रहेगा. तो टू अवॉइड दैट, अकेले उसको एक बड़ा जगह पे दूसरे फिशेस के पास इंट्रोड्यूस मत कीजिए, प्रॉब्लम हो सकता है. सो गाइस, ऑस्कर फिश का टैंक सेटअप डेकोरेशन कैसा होगा, कोशिश कीजिए बैकग्राउंड ब्लैक या थोड़ा डार्क कलर का हो, वाइट मत दीजिए. बेयर बॉटम इज़ ऑलवेज बेस्ट, बट अगर आप डेकोरेशन पसंद है, आप एक थिक लेयर का सैंड दीजिए. एंड गाइस, जब ऑस्कर छोटा रहता है, आप उसको हाइडिंग प्लेस ज़रूर दीजिए. उसके लिए बेस्ट है आप 3 इंच का एक पीवीसी पाइप कट करके दे सकते हैं, आप बॉग वुड भी देख सकते हैं, प्लांट आप डाल सकते हो, ठीक है. बट वो जब बड़ा हो जाएगा वो सब हटा देगा, डोंट वरी. एंड फिल्टर आपको कौन सा देना है, 603T, एक टॉप फिल्टर दे दीजिए. अगर आपके पास बजट कम है तो आप एक पावर फिल्टर भी बड़ा वाला दे सकते हैं. Now the most frequent question I get every day, Oscar fish को क्या फीड दूँ. Alright, so अगर आप एकदम बेबी Oscar buy करते हैं 1 से 2 इंच के अंदर from a fish shop, तो first of all आप वो fish shop से पूछिए वो लोग क्या फीडिंग देता था, टैंक पे डालिए, फिर 1-2 दिन बाद फीडिंग दीजिए. Now guys, फीडिंग हमेशा दो टाइप्स का रहता है सब फिशेज के लिए, एक ड्राई फूड्स और एक होममेड नेचुरल फूड जो रहता है, ठीक है. सो सबसे पहले मैं ड्राई आइटम्स में बता रहा हूँ. सो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, एंड आई नो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, ये नहीं खा रहे तो क्या वो ट्राई करूँ. तो इतना टेंशन मत लीजिए गाइस, जब तक आपका फिश प्रॉपरली सेट नहीं होता है वो कुछ भी फीड नहीं करेगा, ठीक है. एंड सम ऑफ द बेस्ट हिकारी का चिकलेट है, बायोगोल्ड है, ठीक है, हिकारी का फूड स्टिक है, फिर आजू का है चिकलेट स्टिक है, आजू का अल्ट्रा फ्रेश कार्निवोर स्टिक है, श्रीम पी है, क्रिल्स आपको मिल जाएगा, टेट्राबिट्स का भी फीड है, इंच गोल्ड का फीड है, ठीक है, आजू का पैरेट फीड है, फिर इंच गोल्ड का भी पैरेट फीड है, रेड मेलन है वाफ फिश का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट पे. सो गाइस, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर बजट एंड ऑस्कर का क्वालिटी कैसा है. अगर आपके पास लोकल ऑस्कर है तो इतना कॉस्टली फीड जरूरत नहीं है देने का. नाउ अदर देन ड्राई फूड्स, आप उनको लाइव गप्पीज दे सकते हैं, मील वार्म दे सकते हैं, सुपर वार्म दे सकते हैं, क्रिकेट्स दे सकते हैं, क्रिल्स तो मैंने बोला वो भी बहुत अच्छा फीड है. फिर आप उसको मार्केट में जो फ्रेश श्रिम मिलता है उसको आप हेड रिमूव करके, जैसा वीडियो पे देख सकते हैं ऐसे करके छोटा छोटा पीसेस पे काट के दे सकते हैं, तिलेपिया फिलेट दे सकते हैं, चिकन का जो लीवर रहता है उसको टाइनी टाइनी पीसेस पे काट के दे सकते हैं, चिकन का जो हार्ट रहता है वो भी आप डाल सकते हैं, बट चिकन का जो बोनलेस पीस रहता है वो आप मत दीजिए. हाँ, बड़े साइज जब हो जाएगा ऑस्कर आपका, बोनलेस चिकन मत दीजिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है.
गाइस कोई कोई ऑस्कर बहुत ज़्यादा फीड ले लेता है, उसके कारण ब्लोट हो जाता है, स्विम ब्लडर डिजीज़ हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। तो आप कंट्रोल कीजिए, ऑस्कर को हफ्ते में एक दो दिन गैप कर दीजिएगा। और आप दो टाइम फीडिंग दे सकते हैं, एक टाइम आप ड्राई फूड दीजिए, एक टाइम आप नॉनवेज आइटम जो रहेगा वो दीजिए। गाइस बहुत टाइम क्या होता है, आपका ऑस्कर ड्राई फूड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आपका अदर फूड एक्सेप्ट करते हैं, लाइक चिकन हार्ट, श्रिंप वगैरह। तो उसको कन्वर्ट कैसे कराते हैं, तो ये एक ट्रिक है। आप क्या कीजिएगा, आप एक बाउल लीजिएगा, उसमें श्रिंप लेके उस पर डाल दीजिए, फिर जो ड्राई फ्रूट आप उसको ट्राई कराना चाहते हैं उसमें उसको स्मैश करके डाल दीजिए, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, उसको लगेगा कि मैं श्रिंप ही खा रहा हूँ, बट श्रिंप के साथ साथ वो ड्राई फ्रूट भी खा लेगा क्योंकि उसका स्मेल उस पर आ जाता है। सो गाइस दोज आर प्लानिंग टू बाय ऑस्कर फिश, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प देम अलॉट। And join our Facebook group to find our more seller and do follow me on Instagram, okay? So guys, that's all in this video. Subscribe, share, have a nice day. Peace.